बरेली में होगा उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के स्वर्ण जयंती वर्ष समारोह का समापन। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के स्वर्ण जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में विगत वर्ष भर से चल रहे कार्यक्रमों की श्रृंखला का समापन बरेली के स्पर्श रिसोर्ट में आयोजित दो दिवसीय व्यापारी अधिवेशन व आम सभा में होगा। इस अधिवेशन में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री माननीय केशव प्रसाद मौर्य व उद्घाटनकर्ता के रूप में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद मंचासीन रहेंगे। युवा व्यापार मंडल के प्रदेश मंत्री गणेश वार्ष्णेय ने बताया कि व्यापार मंडल की स्थापना आज से 50 वर्ष पूर्व 3 दिसंबर 1973 को काशी के गंगा तट पर लाला विश्वामर दयाल अग्रवाल व पूर्व सांसद रहे पंडित श्याम बिहारी मिश्रा ने की थी, जो आज व्यापारियों का सबसे बड़ा सफल व सक्रिय संगठन है। स्वर्ण जयंती वर्ष में व्यापारियों ने सामूहिक दीपोत्सव, टोल फ्री मिस्ड कॉल व बृहद स्तर पर पूरे प्रदेश में व्यापारी स्वाभिमान यात्रा निकाली थी, जो पूर्ण रूप से सफल रही। बरेली में प्रथम दिवस व्यापारी अधिवेशन का प्रशिक्षण कार्यक्रम में 50 वर्ष के इतिहास ऑनलाइन व्यापार पर लगा स्थानीय बाजार को व्यापार को बढ़ावा देने पर विचार मंथन किया जाएगा। तो वही द्वितीय दिवस व्यापारी आम सभा होगी, जिसमें प्रदेश भर के प्रांतीय, जिला व नगर स्तर के संगठन पदाधिकारी शिरकत करेंगे। इस व्यापारी अधिवेशन में अवागढ़ से भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के राष्ट्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव वार्ष्णेय, बंटी बाबू, प्रदेश मंत्री गणेश वार्ष्णेय, जिला उपाध्यक्ष धर्मेंद्र पाल सिंह, नगर अध्यक्ष रविन्द्र वार्ष्णेय, रिंकू महामंत्री रमन वर्मा व कोषाध्यक्ष विपिन जैन कोटकी सम्मिलित होंगे। ये आज बैठक, वैसे तो अवागढ़ क्या पूरे जिले प्रदेश में हमारे में पूरी तरह हर जगह मीटिंग चल रही है, और साथ में मीटिंग के साथ साथ जो 23 और 24 तारीख का जो बरेली में कार्यक्रम रखा है वो हमारे 50 वर्ष पूरे होने पर स्वर्ण जयंती समारोह जो यात्रा भी निकली थी इस संदर्भ में, तो ये कार्यक्रम 2 दिन का बरेली में रखा गया है। वो अवागढ़ में इस समय मीटिंग हो रही है, यहाँ हमारी सभी टीम के लोग मौजूद हैं और अवागढ़ से 23 और 24 के लिए अधिक से लोग जा रहे हैं। उम्मीद है यहाँ से 20 से 25 लोग अवागढ़ नगर से ही।